हेलो बच्चों, हम पाठ दो पैसे पेज नंबर 24 पे जो है उसको पढ़ चुके हैं कक्षा पहली के लिए। अभी उसके आगे का भाषण संभाषण पहचानो और बोलो ये पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये देखो, ये कक्षा पहली के लिए है। देखो ए ए है, ए ए ए की मात्रा है ए खुंडी, ए आय है ए आय की मात्रा है दो हुंडी। अभी ये देखो यज्ञ वाला य, कौन वाला य? यज्ञ वाला य, ए है ये यज्ञ है। हमें पढ़ना क्या है? हमें यह पढ़ना है यज्ञ से य को पहचानो, यज्ञ से य को पहचानो, ये थर्मस से थ को पहचानो। ये थर्मस है, ये थ है, थ हमें थ पढ़ना है तो हम थर्मस से थ पढ़ेंगे। और एड़ी से ए, एड़ी से क्या पढ़ेंगे? ए। चश्मे से क्या पढ़ेंगे? आय। ये चश्मा है, ये चश्मा नहीं समझो, इसको हम हिंदी में ऐनक बोलते हैं। तो ऐनक से आय, ऐनक से आय, ये चश्मा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐनक। ऐनक से आय। और ये तिलक वाला ड़ है, बीच में जो तिलक के ल रहता है वो है ओड़ो, ओड़ो। अभी देखो नया, थाली, तनु, जूता, तेल, कुलू, कुलू, बैल, कृपया, कृपया, गाएगा, गाएगा, तमिल, तमिल, ऐबक, एकता, थैला, ला, एकता, थैला, ला, आकृति, कोमल, आ, चलते, चलते, माया, आई, कला, ऐनक, ला, कला, ऐनक, ला, जय, विजय, आए, जय, विजय, आए। यही ऐनक है इधर। एक नाथ, एक नाथ, एक आम ले आ, एक नाथ, एक आम ले आ। ऐनक मतलब देखो, कला ऐनक, ला मतलब ये चश्मा, चश्मे के लिए बोल रही है। ऐनक, ऐनक किसको बोलते हैं? यही चश्मे को। ये ऐनक से आय पढ़ना है। अभी देखो, ये देखो लेखन, देखो मिलाओ और चौखट में उचित संख्या लिखो। ये देखो एक रुपए का सिक्का है इधर, ये दो रुपए का सिक्का है इधर, ये एक रुपए का एक सिक्का है, दो रुपए का सिक्का है, तीन रुपए का सिक्का हो गया, तीन रुपया हो गया इधर, दो दो एक, दो रुपए का सिक्का, दो रुपए का सिक्का, चार रुपया हो गया इधर, ये पाँच रुपए का सिक्का है इस ढंग से। अभी देखो ये नोट, देखो पाँच रुपए का नोट और ये एक रुपए का नोट, छः रुपया हो गया इधर, पाँच रुपए का नोट इधर, दो रुपए का नोट, ये सात रुपया हो गया इधर, पाँच रुपए का नोट इधर, दो रुपए का नोट इधर, एक रुपए का नोट, आठ रुपया हो गया। पाँच रुपए का नोट, दो रुपए का नोट, दो रुपए का नोट, ये दो दो दोनों दो रुपए का नोट है, ये पाँच रुपए का, नौ रुपया हो गया। और पाँच रुपए का दो दो नोट, ये दस रुपया हो गया। इस ढंग से इसको हम लिखे लिख लिए हैं, समझ में आया? अभी ये बिंदुओं को मिलाते हुए हमें इसे पूरा अक्षर लिख बनाना है, बिंदुओं को जोड़ना है, इस पर लिखने का अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे हम बिंदुओं पे पेंसिल चलाएंगे जिससे ये बिंदु जुड़ जाएं, और ऐसे ऐसे हम मिलाएंगे और पूरे अक्षरों को हम लिखेंगे। आए ब, देखो बिंदुओं को मेरा थोड़ा सा हट रहा है इसलिए कि हिल रहा है ये, ऐसे ऐसे मिलाओ।
तो इस ढंग से मैंने लिखा है। ऐसे तुम लोगों को पूरा जो बिंदु है, जो अक्षर लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, इनको मिलाते हुए लिखना है। चलो तो पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। तुम लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद देखने पाठ देखने के लिए।